गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैफे हम सब लोग इतनी खुशी इसीलिए कि लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड का पहला दिन है सैटरडे आज। और आज का प्लान क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हमारा वीकेंड बड़ा बोरिंग है, कोई एक्साइटिंग वीकेंड नहीं है, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट एलिमेंट डालने के लिए हम लोग जा रहे हैं आइकिया। तो आइकिया से बहुत सारी शॉपिंग करनी है मुझे, होपफुली कर पाऊँ, मुझे उनके प्राइसेस पसंद आए। मुझे मेरे क्लोफिट का ऑर्गेनाइजर्स लेकर आने हैं, घर को हमने फॉल रेडी करना है, फॉल क्लीनिंग करनी है। कल का यही प्लान है हमारा संडे का, कहीं नहीं जाएंगे, पूरा घर रेडी करेंगे, गराज फिट करेंगे। तो मुझे पता है कि जब हम लोग फिट करने लगेंगे ना, तो हमें लगेगा ये सामान कहाँ रखे, वो सामान कहाँ रखे। तो इससे पहले हम लोग यही सोच कर क्लीनिंग बंद कर दें, बहुत सारा स्टोरेज लेकर आने वाले हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 4:45 हो चुकी है। आइकिया के बाद हमारे को दिनेश और मानसी के घर पर भी जाना है, उन्होंने नया घर लिया है तो उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पर जाना है। तो अभी सीधा चलते हैं आइकिया में, हाई करेंगे। वैसे हम आइकिया में शॉपिंग करने जा रहे हैं, रिटर्न करने जा रहे हैं, ये सारी आइटम्स हमें रिटर्न करनी है, नॉट सारी, मतलब इसमें कुछ गिफ्ट भी हैं। आइकिया का ना बेस्ट पार्ट ये होता है, बाकी सारी जगह पर 3 महीने का, 1 महीने का रिटर्न रहता है, आइकिया में आप 1 साल में चीज़ें कभी भी रिटर्न कर सकते हो। तो जैसे अमित जी ये एक सेट उठाकर ले आए थे, 6-6 चम्मच छुरी काटो का सेट है और इतना महंगा था, तो ये वापस करना है। कुछ हमने क्वीन कम्फर्टर मंगाए थे नीचे एयरबीएनबी के लिए जो यूज़ नहीं हुए, वो सब वापस करना है। तो ये और ये एमी के रूम के लिए एक लैंप लेकर आए थे, आप ही के साथ जाकर लेकर आए थे, तो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार इससे अच्छा कुछ एक स्टैंडिंग लैंप चाहिए, ये दीवार पर लगाने वाला है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें रिटर्न करके आएंगे और रिटर्न से ज़्यादा बहुत सारी शॉपिंग करके आएंगे जो शायद अगले साल रिटर्न करके आएंगे। चलो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एमी का काम हो गया वीडियो में, उसका यही काम होता है कि आपको रिमाइंड कराए कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो, जल्दी चलो। वाओ गाइस कैन यू सी द रेनबो, आई क्या जाते हुए रास्ते में रेनबो दिखाई। यस ये देखो यार, दो दूसरा का है उसके साथ राइट साइड पे। आइकिया पहुंच गए हम, कार्ट में सामान डाल दिया जो रिटर्न करने का है। आप सोच रहे हैं कि पहले रिटर्न वाली जगह पर जाएं क्योंकि अलग अलग है, और सामान वापस कर दे जो करना है, या फिर टाइम कम है पहले शॉपिंग कर ले। क्या कहते हो यार, क्या करें हम पहले रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि फिर अगर रिटर्न वाला सामान रह गया ना, हम पता है साल साल के बाद आइकिया आते हैं, फिर ये दोबारा वापस नहीं होगा अगर 1 साल के बाद आएंगे तो। बाहर चलते चलते ना रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ठंड हो गई है, कल रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, और आज से मौसम चेंज होना शुरू हो गया। आज सुबह 9 डिग्री टेम्परेचर था, सुबह नहीं मतलब दोपहर को 1:30 बजे 9 डिग्री था, और अब मैं चल रही हूँ ना तो बहुत ठंड लग रही है यार। गाइस एक्सचेंज और रिटर्न पे हम लोग आए हैं यहाँ पे, और हमारे से पहले यहाँ पे 21 लोग हैं वेटिंग में, और वेट टाइम है 15-20 मिनट का, और कह रहे वेट लिस्ट को ज्वाइन कर लो, आज रिटर्न नहीं हो सकता भाई, 20 मिनट की वेटिंग है। 20 मिनट हाँ रिटर्न करने के लिए। आइकिया वाले रिटर्न तो आपको 1 साल में ले लेते हैं, मगर जान ले लेंगे रिटर्न, लोग कहेंगे छोड़ो यार। वी डिसाइडेड कि अमित और एमी वेट लिफ्ट ज्वाइन करेंगे और सामान रिटर्न करेंगे, और मैं अब जा रही हूँ आइकिया में चीजें शॉर्ट लिस्ट करके रखूंगी जो हमें खरीदनी है। एमी और मैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं रिटर्न करने के लिए, 10 मिनट हो गए हैं, और एमी का ध्यान ना एक ही जगह है, ये हमारे साथ जो बैठे हैं ना पीछे, इनके पास 2 डॉग्स हैं। एमी का इतना मन कर रहा है कि जाकर डॉग के साथ प्ले करे, पता नहीं क्यों आज वो शाय फील कर रही है। एमी व्हाई आर यू शाय, इतना सॉफ्ट क्यों बोल रही है, बताओ थोड़ा लाउड तो बोलो, मुझे समझ तो आए कुछ। नो आई वोंट आस्क देम, दे आर गोइंग नाउ। अब क्या करेगी, अब देख लॉस हुआ ना तेरा, ऐसे शाय फील नहीं करते। आपका मन कर रहा है तो जाकर उनसे बात करो, उनसे पूछो इफ दे अलाउ यू, यू कैन प्ले विद द पेट। सबसे पहले तो आई विल चेक अगर मुझे फ्लोटिंग कैंडल्स मिलती है तो, क्योंकि मुझे सत्संग वाले दिन हमेशा फ्लोटिंग कैंडल्स की नीड रहती है, और अब दिवाली भी आ रही है तो दिवाली पर भी मुझे डेकोरेशन वगैरह में फ्लोटिंग कैंडल्स चाहिए होंगी। तो फ्लोटिंग कैंडल्स देखते हैं और प्लांट्स देखते हैं, बिकॉज फर्नीचर वाले एरिया में आई वॉन्ट कि अमित पूरा अच्छे से शूट करें, तो अमित के आने के बाद ही चलेंगे। और यहाँ हम आ गए हैं प्लांट सेक्शन में। आपको पता है कि मेरे पास ये एक प्लांट है और बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे पास ये मनी ट्री भी है, ये मैंने आइकिया से लिया था, ये मुझे गिफ्ट मिला था, और अब मैं देखती हूँ कौन सा और कोई अच्छा सा प्लांट मैं ले सकती हूँ, बिकॉज 2-3 और प्लांट्स लेकर जाऊंगी मैं। ये मेरे पास जब वो बंगलों वाले घर में हम लोग रहते थे ना, तो तब था मेरे पास। यार ये प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, प्लांट पॉट भी बहुत अच्छा है और ये प्लांट भी बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या है, जिनसेंग, $25 का प्लांट है यार, महंगा है बहुत। आई जस्ट रियलाइज कि मैं ट्रॉली तो लेकर ही नहीं आई हूँ यार, तो अगर चीज़ें उठानी भी होंगी तो रखूँगी किसने, तो कुछ भी उठाने के लिए अमित का वेट करना ही पड़ेगा। चलो गाइस एमी को प्ले करने के लिए नया एरिया मिल गया, आई होप शी विल बी बिजी नाउ। हाय
You did it? कैंडल्स का तो मैंने सारा सेक्शन घूम लिया, दुनिया जहान की कैंडल्स पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग कैंडल्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सारी मतलब मोस्टली ये टी लाइट कैंडल्स हैं, टी लाइट कैंडल्स भी हैं और ये फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स भी हैं, मगर फ्लोटिंग कैंडल्स नहीं है यहाँ पे। गाइस मुझे मेरा पहला प्लांट मिल गया है जो मैं ले रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट रूम है ना एंट्री के साथ जो रूम है वो मुझे बड़ा खाली खाली सा लगता है और उसमें मुझे कोई ग्रीनरी ऐड करनी है, तो मैं एक प्लांट लेने का सोच रही थी बड़ा सा, तो एक ये ऑप्शन में है और एक ये मनी ट्री, बड़ा मनी ट्री ऑप्शन में है, एक ये फिट प्लांट भी है पर ये बड़ा छोटा सा है, ये प्लांट भी है ऑप्शन में, तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये वाला लेते हैं बिकॉज ये बड़ा ना खिला खिला सा और फैला हुआ सा लगेगा एंड इट इज ओनली फॉर $25। ये भी बहुत मेजर रीजन है, बाकी प्लांट्स $45 के हैं, ये 25 का है और बड़ा खिला हुआ भी लग रहा है, तो आई एम बाइंग दिस। ये देखो ये खुला हुआ, ये ऐसा लगेगा। तो गाइस एक आइटम को छोड़कर सारी आइटम्स रिटर्न हो गई हैं, जो रिटर्न नहीं हुई ना वो मैंने 2020 में खरीदी थी, मतलब उसको एक साल की इनकी रिटर्न विंडो होती है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर चुका था तो वो डेफिनेटली रिटर्न नहीं होनी थी। बाकी सारी आइटम रिटर्न हो गई हैं, $210 वापस मिले हैं, अब वो $210 यहाँ पे शॉपिंग पे यूज करते हैं। तो अब जब पहली चीज पसंद आ गई है जो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ले रही हूँ, तो अमित के आने की वेट नहीं करते ट्रॉली के लिए, मैं खुद बाहर जा रही हूँ एक ट्रॉली लेकर आ रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू पिक दैट प्लांट। ट्रॉली मिल गई है, अब प्लांट उठाते हैं। एक मुझे ये स्नेक प्लांट भी लेना है, मैं कब से सोच रही हूँ इसको लेने की, बट यही सोचा था कि जब आईकिया जाऊंगी तब लूंगी बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा $10 का है, वरना ये $25 के मिल रहे थे बाकी जगह पे, तो एक ये उठा लेते हैं। वैसे आपको स्नेक प्लांट की क्वालिटी बता दूँ, ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, तो घर में अगर एक आधा प्लांट ये हो तो अच्छा रहता है। गाइस एक गोल्डन वाला प्लांट पॉट देखो विद स्टैंड, इट इज ओनली फॉर $15 और बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम बाइंग वन ऑफ दीज। गाइस ये रूफ पे स्टाइल देखो बढ़िया लग रहा है ना, सोच रही हूँ मैं कि कहाँ लगा सकती हूँ, ये टाइल्स हैं जिनको जोड़ के इन्होंने ऐसा लुक बना लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं लेना चाह रही हूँ बट मुझे पता है अमित बहुत डांट मारने वाले हैं। गाइस अमित को ये गोल्डन पॉट इतना पसंद आया कि मैंने बोला कि दो ले लो, मैंने एक और उठा लिया है, मगर ये प्लांट अमित को अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो अच्छा लगा। यार अमित इज सेइंग कि ये वाला प्लांट लो उस वाले प्लांट के बजाय, दिस इज फॉर $30 बट वो भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा यार, मैं दोनों ले रही हूँ। फिर ये सेटअप देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, ये कलर इतना ब्यूटीफुल है और इसके साथ ये जो यूकेलिप्टस स्लीव्स हैं ये बहुत प्यारी लग रही है, अगर ये ग्रीन कलर की होती और भी अच्छी लगती, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर नेचुरली लग रहा है, बट ये एक सेट बनाकर देखती हूँ मैं कैसा लग रहा है। ओह गॉट इट कि उन्होंने ये ब्लैक क्यों रखा हुआ है, बिकॉज ये हेलोवीन डेकोरेशन का पार्ट है। ये प्लांट्स ना लास्ट मोड आने चाहिए थे, अभी क्या हो रहा है मैं चल रही हूँ ना एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे, तो मुझे डर लग रहा है कि घर पहुंचने से पहले टूट ना जाए, तो यहाँ पर ये ट्रॉली पार्किंग एरिया है, यह ट्रॉली पार्क कर दी है, अब ऊपर वाले फ्लोर पे शॉपिंग कर दिया, जाते हुए फिर पिक कर लेंगे इसको। पापा कैन आई गेट आउट? व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट? आई गेस फन। कुछ खाना है? टाइम नहीं है खाने का, मन कर रहा है टाइम नहीं है। हम दिनेश मानसी घर पे ही खाएंगे। गाइस स्टोरेज लेने आए ना हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस लेकर जाएंगे जो हम अपनी क्लोजेट्स के अंदर लगा सकते हैं सामान डालकर। अब मैं सोच रही हूँ कि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिंटेड चाहिए, ये बच्चों के हैं, तो अगर प्लेन वाले ज़्यादा सस्ते हैं तो प्लेन वाले उठा लेंगे एज कम्पेयर टू दीज। ये कितने के हैं? ये $8 के हैं, तो देख लेते हैं कि प्लेन वाला अगर $8 सस्ता मिलता तो वो ले लेंगे, है ना, नहीं तो लास्ट में ये उठा जाएंगे यहाँ से। दो तीन उठा लो ना, एमी के रूम में तो यही वाले लगा देंगे शिल्पा, एमी के रूम में तो लगे हुए हैं, और भी चाहिए हैं, और भी चाहिए हाँ। दो ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। आई एम पुटिंग दिस बैक इन बिकॉज़ आई फाउंड दिस ओपन आउट विदाउट एनी बिल्ड। ये बोले नया सामान आया भाई आईकिया पे, न्यू कॉन्सेप्ट। ये चाहिए, ये तो है ना एमी के बहुत सारे। हाँ ये तो टैबलेट स्टैंड आ गया सर। ऑलवेज टेल यू कि एमी के रूम में मुझे कुछ ऐसा करना था। मेरे रूम में भी ये लगा हुआ हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगे। ये देखो
आईकिया में डिस्प्ले में सारे इंडियन कपड़े पड़े हुए हैं, साड़ियाँ पड़ी हुई है, ब्लाउज पड़े हुए हैं, दुपट्टे भी है, इनफैक्ट ज्वेलरी भी पूरी इंडियन स्टाइल की है। और वो देखो ऊपर बैंगल्स वगैरह भी रखी हुई है, शूज भी इंडियन स्टाइल है, जूतियां रखी हुई है यार, नाइस। अब ये देखो जहाँ पे हमने किचन में ग्रीन एरिया बना रखा है कॉर्नर, वहाँ ऊपर हम ऐसे दो तीन हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो पूरा एरिया ही ना डेडिकेटेड ग्रीन एरिया बन जाएगा हमारे घर का। और जैसे अब अमित का प्लान है कि जो हमारी सीढ़ियाँ है ना उसके दोनों तरफ रास्ता है, तो अमित वो स्टेलिंग में कि यार हम एक ही रास्ता यूज किया करेंगे, बिकॉज मोस्टली घरों में एक ही रास्ता होता है, हमारे दोनों की सीढ़ियाँ सेंटर में है, तो एक जो रास्ता है ना उसको बंद करके वहाँ सारे प्लांट्स लगा देते हैं। तो अगर ऐसा करने का प्लान है, मतलब इंडोर गार्डन टाइप का, यू नो, एंटर करते ही वहाँ नीचे ग्रीन कारपेट बिछा देंगे और सारे प्लांट्स लगा देते हैं, ये हमारा प्लान है। वैसे ना जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना तब आपको दिखाते हैं, बट एज यू नो मी, मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ आपसे। तो हमारा प्लान है कुछ इंडोर गार्डन ऊपर ही बनाने का, उस एरिया में ग्रीन कारपेट लगा कर सारे प्लांट्स लगा देने का। अगर हम वैसा करते हैं तो नीचे तो प्लांट्स रखे होंगे, बट अगर ऊपर ऐसे हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए होंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ट्रू, अच्छा तो लगेगा। हाँ गाइस, हमारा आज आई के आने का ना मेन रीजन है, जहाँ पे हमारे बेडरूम में हमने वर्क डेस्क लगाया हुआ है ना, उस जगह पर मुझे अपने लिए क्लोसेट स्पेस बनाना है, क्योंकि मेरा क्लोसेट मुझे बहुत छोटा पड़ रहा है। तो अब वो वाले ऑप्शंस देखने आए हम कि कैसे हम वहाँ पे क्लोसेट स्पेस बनाकर मेरा क्लोसेट थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं, थोड़ा बिग कर सकते हैं। तो अब आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ क्या क्या है। जैसे एक ये ऑप्शन है, जैसे फॉर 1025। अब क्योंकि वो बेडरूम के अंदर है तो एक रिक्वायरमेंट है कि यार डोर्स होने चाहिए, उसके कैबिनेट टाइप का होना चाहिए, ताकि मतलब जो भी कपड़े वगैरह है वो कवर्ड रहे, ओपन अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक ये ऑप्शन है, जैसे इंडिया में हमारे वो क्लोसेट्स बने होते हैं ना, मतलब बिल्ट इन अलमेरा होती है, उस तरह का है, काफ़ी ऊँचा है। ये देखो कलर भी बिल्कुल मेरी किचन वाली कैबिनेट से मैच कर रहा है। तो ये सारा ऐसे बना हुआ आएगा। ओके, कॉम्बिनेशन की तो 800, यहाँ पर 800 दिखा रहा है अमित। दिस इज फॉर 800, द नेक्स्ट आइटम उसके साथ 200, उसके साथ, हाँ तो इसके साथ मिलकर, हाँ ये 225 का है, तो ये 800 का है। और ये अगर मैं साथ में लूँगी, जो कि अगर मैं ये लूँगी तो मैं लूँगी, क्योंकि भाई स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ना, मेरे पास इतनी जगह है कि ये वाला भी बीच में आ जाए। तो ये 225 का है, तो ये मिलाकर हो जाएगा हमारा 1025 का, जिसमें यहाँ पर आप सारे जो चीज़ें फोल्ड करके रख सकते हो वो आ जाएंगी, बट ओपन रहेंगी। और ये जो चीज़ आपको अंदर रखनी है, और प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये तो मुझे लगता है इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया होगा, इसमें साथ नहीं होगा ये, तो यहाँ पर अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो। ज्वेलरी साथ नहीं है शिल्पा, हाँ अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। तो ये इसको देखकर पता चल रहा है, मैं इंडिया में तो हर घर में ही होता है, कितनी लग्जरी होती है इंडिया में यार, नाइस। पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा यार इससे भी, लेकिन 1025 में और क्या मिल सकता है, या इससे सस्ती भी कोई चीज है जो पर्पस पूरा कर दे, वो देखते हैं। ये देखो ये है कॉम्बिनेशन प्राइस 1220, मतलब जितनी भी चीजें हम देखेंगे इसमें वो 1220 की पड़ेगी। तो ये स्लाइडिंग डोर के साथ है क्लोजेट, हमें ये भी अलग से, ये बता रही हूँ मैं आपको। और अगर ये अलग से मिलता है ना, मैं यहाँ से ये तो चीज ले ही लेती हूँ, बट कहाँ मिल रहा है ये नहीं लिखा हुआ इसमें, इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं वैसे, लेकिन ये फिर महंगा है ना, वो पूरा 1025 का पड़ेगा और ये पड़ेगा 1225 का, क्यों पता नहीं, शायद ये थोड़ा बड़ा है। इसके फीचर्स देखो, यहाँ पे आप बड़े बड़े वो भी लगा सकते हो, लॉन्ड्री बैग भी अपना यहीं पर रख दो, चाहे मैले कपड़े यहीं पर फेंकते जाओ। ओके, दो दिस इज मोर एक्सपेंसिव, मुझे वो फिर भी ज़्यादा अच्छा लगा इसे, चलो और देखते हैं। हमारी एक मिनट, रूफ इतनी ऊंची है, ये हैंग करने वाली चीज़ों के लिए बढ़िया। एक बार बताओ, इतना ऊंचा तो मेरा हाथ भी नहीं जाना, तो वो जगह वेस्ट हो जाएगी मेरे लिए तो। और यहाँ पे ये रखो, ये दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट यार, मैं सारी चीज़ें इन बास्केट पर रख दो फोल्ड कर करके, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आ जाएगा यहाँ पे। एवा एक मिनट, मैं ये बंद कर रही हूँ। अब इस एरिया में क्या है ये दिखते हैं, और ये कितने का है। ओके, दिस इज फॉर 975, और ये पूरा ड्रॉर्स वाला एरिया हो गया, लेकिन इतनी ऊपर सामान नहीं रख पाऊंगी मैं, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक ग्रे कलर। ठीक है, एनीथिंग अदर देन वाइट इज गुड यार, आई लाइक वाइट कलर। ये
आई नो, तभी मैंने जानबूझ के ही बोला। या आई लाइक व्हाइट कलर। या एमी आल्सो लाइक्स व्हाइट कलर। ये वाला देखो, आई लाइक पिंक कलर। ऐसा लग रहा है कितनी ऊंची ऊंची है, मतलब ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जब हमारे इंडिया में पूरी दीवार तक बनी हुई होती है ना क्लोसेट्स, तो ये जब कमरे में आएगी ना तो पूरी छत तक लगेगी। ओके okay, तो ये हमें फिक्स 30 की पड़ेगी, ये 50 पड़ेगी, क्योंकि शायद ये सिर्फ आप हैंग कर सकते हो, उसमें आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे ये मेरे पास है एक चीज, तो ये लगा दोगे आप? आई डोंट लाइक इट, नो। लेंगे तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट दिखा देंगे। ये नेक्स्ट वाला देखो, दो इट्स ग्रे कलर, इसमें देखो ना यहाँ पर बना हुआ है, देखो एक मिनट, ये है ना देखो, ये सारे ड्रॉल्स हैं, तो जितनी भी ड्रॉल्स वाली आइटम है वो आप यहाँ पे रख दो। और बाकी मैंने सोचा ना यार, ये पूरी 630 की है, मैं सिर्फ मैं सोचना भी नहीं चाहता, मुझे नहीं सोचना यार, अच्छी लग रही है हमें। नो आई डोंट लाइक इट शिल्पा, अच्छी सी लेंगे यार, ये भी अच्छी ही है। अच्छा आ जाओ, ये ले लो अमित, सिर्फ 49 की है। हां ये ठीक है, इसमें बहुत सारे वो है, बट इसमें डोर्स नहीं है तो मुझे ये देखनी भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डोर वाली चाहिए, बिकॉज हम लोग ओपन रखने वाले हैं यार अपने क्लोजेट में। फिर ये देखो, ये इसकी वजह से बड़ा चीप सा लुक आ रहा है। अगर ये इन्होंने सॉलिड वाइट या कोई सॉलिड कलर दे दिया होता ना, फिर ये अच्छी लगती। ये है सिर्फ 495 की। अच्छा इसके इस तरफ पूरे ड्रॉर्स भी है। मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए जिसमें दुनिया जान के ड्रॉर्स हो, तो मैं सारी चीज़ें अपनी अलग अलग करके रख सकती हूँ। दिस इज़ गुड, 495 में बुरी नहीं है, लेकिन ये कलर मुझे नहीं अच्छा लगा यार। अब ये देखो, ये कलर अच्छा लग रहा है ना, दिस लुकिंग वेरी नाइस। रेट देख रहा है इसका कितना होगा, क्या पता आप लोग ये ले लें। रेट तो मैंने देख लिया, 770 मतलब दिस इज फॉर 770। अगर आपको दोनों लेनी है जैसे पूरा सेट बना हुआ है, दैट्स फॉर 1550। अच्छा वाटर कॉम्बिनेशन व्हाइट हाई ग्लोव लाइट ग्रे, और इसमें ड्रॉर्स भी इतने सारे नहीं है। मत नहीं 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 1550 तो दो, इसका ना इसके जो डोर्स हैं वो बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ग्लॉसी फिनिश है, हैंडल्स बड़े प्यारे लग रहे हैं, मगर इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रही, अंदर से पूरी खाली खाली सी है। ओके एमी ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगला शॉट कैसे लेना है, तो मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। ठीक है, ओ वेयर इज एमी? आई डोंट नो, शी वाज जस्ट हियर, व्हाटएवर, लेट्स शो दिस ऑर्डर। ओ हियर शी इज, what are you doing inside? अच्छा मैं अब मैं आपको एक सीरियस थॉट कह रही हूँ कंसीडर करने के लिए, ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और यूजफुल भी है। ठीक है, एक तो ये देख सकते हैं। अच्छा तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, सिंपल सी, जस्ट लिसन टू मी। मैं मेजर करके आया था, हमारी जो वॉल है ना जिसके आगे हमने क्लोजेट लगानी है, दैट इज 6 feet। अब ये तुम लगाओगे ना, दिस इज नॉट 6 feet, आई बिलीव दिस इज 4.5 or 5, तो हमारा एरिया वेस्ट होगा। मेरी बात सुन यार, नहीं नहीं एरिया वेस्ट वाली बात नहीं, फिर कितने सारे ड्रॉअर्स हैं यार अमित, स्टिल इट विल बी स्मॉल। अच्छा भाई ये ले लो फिर, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसका लुक देखो। ये डोर वाले ऑप्शन इतने सारे नहीं है ना, अब जब ये वाला ऑप्शन था ये तो हमें अच्छा नहीं लगा था ना। मुझे एक तरफ पूरे डोर वो चाहिए, ड्रॉअर्स चाहिए, ब्लू वाली अच्छी थी, यही वाली फन में आ रही है यार, जो सबसे पहले देखी थी 1025 की। हां दिस इज नाइस, इसमें ऑप्शन भी अंदर सारे, बट इसमें इस तरफ डोर्स में वो नहीं है ना, कैबिनेट नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें बॉक्सेस रखे जाएंगे। फिर ये ले लो, वो अच्छी है शिल्पा, द ब्लू वन इज नाइस। कोई डिस्काउंट में नहीं मिल सकती कि जो ऐसे होगी, ये 5000 की थी जी, अब हम इसको 1200 में दे रहे हैं। एक ये भी है, मगर ये देखने से बड़ी महंगी लग रही है, कि मतलब 1430 तो नहीं यार, मतलब लुक इतना बढ़िया नहीं आ रहा इसका कि इसके लिए 1430 पे कर दिया जाए। मतलब नहीं, ड्रॉर्स भी अच्छे खासे हैं, ये देखो ये बड़े सारे ड्रॉर्स हैं, ये वैसे तो ठीक है, बट यार 1430 महंगा है। मैं सोच रही हूँ कि यार मैक्सिमम 1000 तक में करना चाहिए हमें काम, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, ये भी सोच लो। ये छोटे छोटे बड़े हुए, ये देखने नहीं देखने, जो मुझे पसंद आ रहा है वो अमित को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मुझे अब ये भी पसंद आई है, देखो जैसे हमने वहाँ पर वाइट वाली देखी है, मेरे ख्याल से उसी का ही वर्जन है। 430 का ये वाला हिस्सा है और 410 का ये वाला हिस्सा है, मतलब अगर 430 का वो है और 410 का ये, तो ये महंगा है भाई ये वाला हिस्सा, लेकिन इसमें ड्रॉअर्स ज़्यादा है सर, ये वाले भी ड्रॉअर्स हैं, तो टोटल मिलाकर हमें 840 का पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अमित का मन है वो ब्लू वाली लेने का, 1025 वाली,
वो ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे तो वो पसंद है। चलो अब सारी देख लिए, मेरे ख्याल से अब कोई नहीं रहती है यहाँ पे। ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी है, मेरी देख सकते हो। अब ये बड़ी छोटी सी है, ये एक है 410 की सिंगल, बट इसमें कुछ है, बड़ी खाली सी है, खाली लेकर 410 करके क्या फायदा है? You're right. जिसमें भी डोर होगा ना, that will be expensive, क्योंकि वो डोर की वजह से expensive है। It won't be that expensive without door. आपको without door चाहिए? देख अगर मुझे अपनी साइड रखनी है तो मैं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं विदाउट डोर भी ले लूंगा। मेरे को डोर वाली चाहिए थी। एक फाइनल डिसीजन लो, बड़ा मुश्किल है। एक चीज लेने आए थे, डेढ़ घंटा हो गया ढूंढते हुए, फन में नहीं आ रहा है क्या ले। गाइस अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करें। अब इतने और कंफ्यूज कर दिया कि ओपन लो डोर्स वाली ना लो। आई डोंट वांट टू कंसीडर दैट। लेकिन हम लोग मानसी और दिनेश के घर जाने के लिए भी लेट हो रहे हैं। वहाँ पे एक और फैमिली भी हमारा वेट कर रही है जो हमसे मिलना चाह रहे हैं। इंडिया से आए हैं वो और हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो एक काम करते हैं, कल यहाँ पे फिर से आएंगे, घर से आधा घंटा दूर है, और फिर आपको बाकी बेडरूम्स वगैरह भी दिखाते हैं और वार्डरोब कल कोई लेकर जाएंगे। अभी चलते हैं हम लोग दिनेश और मानसी के घर पे। गाइस देखो मुझे ये ब्लैक कलर के बॉक्सेस मिल गए जो आपको बता रहे थे कि शायद प्लेन ब्लैक सस्ते होंगे। तो ये है $6 के, और वो जो एमी के रूम के लिए हमने वो प्रिंटेड लिए हैं ये वाले, ये थे $8 के, तो $2 का फर्क था। तो हमने अपने ये ब्लैक वाले ले लिए बड़े सारे। कितने ले लिए हमने? 5 ले लिए, 3 मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए, और एमी के लिए वही वाले रखे हैं। ठीक है, ओके, चलो अब बिल कराते हैं ये सारा सामान। So guys, जितनी देर आप शॉपिंग में लगाई है ना, उससे ज़्यादा देर मुझे लग रहा है मैं लाइन में लग जाएगी। इतनी लंबी लाइन है, हर लाइन मतलब फुल है। मेरे ख्याल से हमारे आगे इस टाइम 10 से 12 फैमिलीज होंगी जो अपनी शॉपिंग करके यहाँ पे खड़ी हुई हैं। We are liters. Guys, मैं एविड सेक्शन में आई हूँ और वहाँ पर देखो एक ये लैंटर्न पड़ी हुई है, ये थी $50 की और अब डिस्काउंट में $15 की लगी हुई है। अब सारी शॉपिंग करने के बाद बहुत भूख लग गई है और हमने 2 हॉट डॉग ले लिया और एक वेजी डॉग ले लिया है। और आपको पता है बिल कितना आया है? $3.15 का। अब ये इतने बड़े प्लांट्स ले तो लिए हैं, इनको गाड़ी में घुसाना एक चैलेंज रहेगा भाई, और घर पे सही सलामत पहुंचाना भी एक चैलेंज है। ये ट्रॉली अपने आप निकलती जा रही है। वैसे आपको बता दूं, हमने $210 का सामान रिटर्न किया है और इन सब का बिल बना है हमारा 170। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रिटर्न ज्यादा है और शॉपिंग कम है। वो पता है क्यों? क्योंकि हमने कल फिर से आकर शॉपिंग करी है। अभी जो सबसे बड़ा खर्चा था क्लोसेट का या वार्डरोब जो भी कह लो, वो तो अभी ली थी हमने, है ना। चलो यार अब आपको हाय बोलेंगे सीधा दिनेश मानसी घर पे, ठीक है।